जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अगर आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप भी ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। यह उपाय आप नीम की पत्ती से कर सकते हैं। नीम की पत्ती आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, नीम की पत्तियों में अनेक शक्तियों का वास होता है। माँ दुर्गा, केला माता और माँ भवानी का वास नीम की पत्तियों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आप पर हावी ना हो, तो आप नीम का उपाय कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि नीम का पौधा बहुत ही खास होता है। नीम का पौधा यदि आप अपने शत्रु को चुआ देते हैं, तो उसका पूरा दिन अशुभ हो जाता है। दोस्तों, नीम के पौधे की इतनी ताकत है। और आपके शत्रुओं की शक्ति का भी नाश करना चाहते हैं, तो आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आप रविवार के दिन या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। कौन कौन से दिन हैं दोस्तों? या तो आप मंगलवार को उपाय कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं, या रविवार को कर सकते हैं। तो इन दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी भी रविवार या किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार के दिन नीम को लेकर के आना है। और आपको नीम के पत्ते उतने ही लाने हैं जितना बड़ा आपके दुश्मन का नाम हो। जैसे मान लो 3 अक्षर का आपके दुश्मन का नाम है, तो आपको 3 नीम के पत्ते लेकर के आने हैं। नीम का पत्ता आपको अपने दुश्मन के नाम के अकॉर्डिंग ही लाना है। जैसे 5 अक्षर का यदि आपके दुश्मन का नाम है, तो आपको 5 नीम के पत्ते लेकर के आने हैं। और आपको इसको घर लेके आना है, दोपहर में तोड़ के लाना है। आपका टाइम क्या रहेगा दोस्तों? दोपहर का टाइम रहेगा। शाम को और सुबह इस उपाय को आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, नीम के पत्तों को ला करके आपको धोना नहीं है। आपको बिल्कुल भी इसको नहीं धोना है। जितना गंदा नीम का पत्ता है, उतना ही अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको नीम के पत्तों को धोना नहीं है, और काली शाही से प्रत्येक पत्ते पर दुश्मन का नाम लिख देना है। अब इन पत्तों को आपके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिट्टी में मिला देना है। अब जितने अक्षर का आपके शत्रु का नाम होगा, उस मिट्टी में मिला करके उसको उतनी ही गोलियाँ बना देनी है। जैसे आपका शत्रु का नाम जो था वो 3 अक्षर का था, तो आपको 3 गोलियाँ मिट्टी की नीम के पत्ते में मिला करके बना देनी है। और उन गोलियों के सामने अपने शत्रु का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो, अब ब्रैकेट में शत्रु का नाम, हन हन स्वाहा। ओम नमो, शत्रु का नाम, हन हन स्वाहा। ये जहाँ मैं ओम नमो के बाद शत्रु का नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है, और उसके बाद हन हन स्वाहा आपको बोल देना है। दोस्तों, यकीन मानिए, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप जितनी भी बार इस मंत्र का जाप करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। आपके सभी दुश्मनों का नाश हो जाएगा। आपके जितने भी दुश्मन हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको दुख दे रहे हैं, आप पर काला जादू करवा रहे हैं, आपकी उन्नति नहीं चाहते, ऐसे दुश्मन आपके खत्म हो जाएंगे, उनका सबका नाश हो जाएगा। आपको बहुत विश्वास के साथ ये काम करना है दोस्तों। अब आप इन नीम की गोलियों को ले जाकर, आपको जो नीम की गोलियां हैं उनको ले जाकर आपको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। यानी टॉयलेट में जाकर के आपको वहां डाल करके इसको फ्लश कर देना है, ठीक है? ऐसा यदि आप करेंगे, तो आपके शत्रु बेनकाब हो जाएंगे, आपके शत्रु बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनका बिल्कुल नाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, ये प्रयोग हमने आपको बताया तो है, लेकिन आपको बेवजह इसका उपयोग नहीं करना है। बे मतलब के लिए आपको इसका उपयोग नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या आपका शत्रु है, और वो आपका नाश करना चाहता है, और वो आपका वास्तव में शत्रु है, तभी इसका प्रयोग करें। मैं आपको पहले ही बता दिया, पहले ही आपको चेता दिया है, यदि बे मतलब आप इसका प्रयोग, इसका दुरुपयोग करेंगे, तो फिर आपको ये खुद को ही दुख देगा, खुद को ही यह खुद का ही नाश करेगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इस पौधे का आपको सदुपयोग ही करना है, ठीक है दोस्तों? तो यदि आप इस प्रयोग को करेंगे, तो आपका जो शत्रु है वह कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब खत्म हो जाएगा, शत्रु बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है दोस्तों, इसलिए इसका आप गलत उपयोग नहीं करें। गलत भावना से ये वीडियो नहीं बनाया गया है, और किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है। इसके बाद भी यदि आप इस उपाय का दुरुपयोग करते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे, हमारी यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, नीम के जो ऐसे उपाय हैं, नीम के ऐसे भी बहुत सारे उपाय हैं, जो नीम का जो फल होता है, नीम की जो निम्बोली होती है, उससे भी आप उन उपायों को कर सकते हैं। नीम की निम्बोली जो है, नीम का फल होता है जो बहुत ही कड़वा होता है, उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीम की गोली लेनी है।
यानी नीम की जो निम्बोली होती है उसे तोड़ लेना है, दोपहर में तोड़ के लाना है और तोड़ करके ला करके उसको घर में रखना है। अब आपको कितनी नीम की गोलियाँ लानी है, कितनी नीम की आपको निम्बोली लानी है, तो नीम की जो निम्बोली है आपको लानी है 7 नीम की निम्बोली लाएँ घर पर, और नीम की निम्बोली ला करके आप उस पर काली स्याही से अपने दुश्मन का नाम अंकित कीजिए। जैसे मान लो आपके दुश्मन का नाम है अशोक, तो आपको तीनों पर उन निम्बोलियों पर ये नाम अंकित कर देना है। नाम अंकित करने के बाद आपको किसी भी गार्डन में जाना है और गार्डन में जाकर के आपको एक थोड़ा सा एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोद करके उसमें उसको गाड़ देना है। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे उसके बाद जब आप उसको भर देंगे गड्ढे को, नीम की गोली अंदर दबी रह जाएगी, तो ऐसा करने से उसमें नीम की निम्बोलियों में अंकुर फूटेगा। अंकुर जैसे जैसे फूटेगा वैसे वैसे आपके दुश्मन का सर्वनाश होता चला जाएगा। दोस्तों यह जो उपाय है यह भी आपको बेमतलब नहीं करना है, हमने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है। यदि आप गलत भावना से उपाय करते हैं तो आपको ही नुकसान होगा। यदि आपको लगता है कि यही व्यक्ति आपका दुश्मन है और यह आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, तभी आप इस उपाय को कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर इसका उपाय नहीं कीजिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ही को दुख होगा, दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। कमेंट में आपको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या फिर आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है। यदि आप ऐसा करेंगे, जय श्री राम आप कमेंट में लिखेंगे, हर हर महादेव कमेंट में लिखेंगे, तो ऐसा कर कर आप अपनी उन्नति कर रहे हैं, आप अपनी ही उन्नति को बढ़ा रहे हैं, आप में सकारात्मकता आएगी, सकारात्मकता के कारण आपका भी बहुत अच्छा होगा, सब कुछ आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा धन कमाएंगे। दोस्तों धन प्राप्ति के भी बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं, जो हमारी इस वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है, आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको पता लगेगा कि धन प्राप्ति के कैसे कौन से उपाय हैं जिनसे बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दुश्मन को ख़त्म करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, और इससे आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर में शांति हो जाएगी, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो वो दुश्मन आपके घर में भेजता था वो भेजनी बंद हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छे से मज़े से अपना जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो उन रिश्तेदारों को भी, उन आपके सगे संबंधियों को भी लाभ होगा जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। ऐसा करने से आपके भी पाप कटते हैं, आपके भी पाप कम होते हैं और आप बहुत अच्छे अपनी उन्नति के रास्ते को पाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम यही आशा रखते हैं, यही कामना करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।